शेयर कर रही हूँ आपके साथ आलू पकोड़े बनाने की ऐसी टिप्स जिसकी वजह से आलू के पकोड़े फूले फूले और फटाफट से बन जाएंगे। तो ये क्रिस्पी टेस्टी आलू के पकोड़े बनाने के लिए हम लेंगे 2 मीडियम साइज के आलू। इन्हें हम छुरी से इस तरह से पतले स्लाइसेस में काटेंगे। स्लाइसर में काटने से ये होता है बहुत ही पतले पतले पीसेस निकलते हैं और पकोड़े खाने में मजा नहीं आता। तो न मोटे न ज्यादा पतले, मीडियम साइज के इस तरह से हम आलू को काट लेंगे। सारे आलू के स्लाइसेस काटने के बाद इन्हें पानी में डाल लेंगे ताकि इनका कलर डार्क ना हो जाए। और नमक भी इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 चम्मच। मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। नमक के पानी में रहने से आलू के पकौड़े अंदर से फीके नहीं लगेंगे। तो नमक के पानी में आलू को छोड़ देंगे करीब 10 मिनट के लिए। अब हम बनाएंगे बेसन का मिक्सचर। इसके लिए 1/2 कप बेसन लेंगे और इसमें हमें डालना है 1/3 कप चावल का आटा। ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आलू के पकौड़े बेहद क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। चावल के आटे के साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच है तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 चम्मच है हल्दी का पाउडर, नमक 1/4 चम्मच डाल लेते हैं या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए, थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते ऐड कर लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसका अच्छा सा एक बैटर बनाना है। मिक्सचर को हम ज्यादा पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे इस तरह से। तो करीब 1/2 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। ये मिक्सचर बन जाए इसके बाद हम इसमें गर्मा गर्म 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इसी गर्म तेल की वजह से हमारे पकौड़े अच्छी तरह से फूलेंगे बिना सोडा डाले। तो ये बैटर हमारा रेडी है, तेल भी गर्म हो चुका है। अब आलू को हम निकाल लेते हैं और किचन टॉवल पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो पानी इसका पूरा सुखा लेंगे। इस तरह आलू को सुखा कर बैटर में डालने से बैटर ज्यादा गीला नहीं होगा और आलू के पकौड़े एकदम फर्स्ट क्लास बनकर रेडी होंगे। तो अब आलू के एक एक स्लाइसेस को बेसन के ये मिक्सचर में डुबो लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर जो तेल गर्म हो रहा है इसमें एक एक करके आलू के पकौड़े डाल देते हैं। बहुत ज्यादा आलू के पकौड़े पैन में नहीं डालेंगे, थोड़ी खाली जगह रखेंगे ताकि आलू के पकौड़े अच्छी तरह से फूलें। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और गरम तेल को उछालते हुए इस तरह से हम पकौड़े पे डाल देते हैं। इस तरह तेल ऊपर डालने से पकौड़े और भी ज्यादा फूल जाएंगे। एक तरफ ये 2 से 3 मिनट के लिए पक जाए, इसके बाद पलट कर इसे दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। अलट पलट करते हुए अच्छा गोल्डन कलर आ जाए पकौड़ों पे, तब तक हम इसे पका लेते हैं। तो ये पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं। इस तरह से सारे पकौड़े हम फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। हरी चटनी, टमाटो सॉस या अपने मन चाहे डिप के साथ ये फूले फूले क्रिस्पी झटपट से बन जाने वाले आलू पकौड़े को आप सर्व कर लीजिए। उंगलियां चाटने पर आप मजबूर हो जाएंगे, इतना टेस्टी और चटपटा ये हैदराबादी स्टाइल का आलू का भरता बनकर रेडी होता है। और इस आलू के भरते को बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। तो आलू का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है उबले हुए आलू। आलू मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के लिए है, ये करीब 650 ग्राम आलू है। तो आलू को पहले इस तरह हाथों से हम मोटा मोटा मसल लेते हैं। एकदम पेस्ट की तरह इसे नहीं बनाएंगे, दर दर ऐसा हल्के हल्के हाथों से इसे मसल लेते हैं। तो आलू मसल कर रेडी हो गए हैं। अब इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज डालते हैं पतले स्लाइसेस में कटी हुई। 1 मीडियम साइज का टमाटर है, इसे मोटा मोटा चॉप करके डाल देंगे। कुटी हुई धनिया डाल लेते हैं 1 चम्मच। 1/2 चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच है काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 चम्मच डाल लेते हैं गरम मसाले का पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, 10 से 12 पुदीने के पत्ते डाल लेते हैं, नमक डाल लेंगे इसमें और अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो भरता बनाने के लिए हमारा आलू रेडी है, अब हम इसे पकाते हैं। तो भरता पकाने के लिए हम कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। तेल को गर्म कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अच्छी तरह से ये चटक जाए और इस पर सुनहरा रंग आ जाए, इसके बाद 5 से 6 करी पत्ता डाल देंगे। 1 सूखी लाल मिर्च है, इसे टुकड़ों में काट कर डाल लेंगे। साथ ही डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर डालते हैं। पतले लंबे पीसेस में कटी हुई अदरक डाल लेंगे। अब ये मसालों को हम चलाते हुए पकाते हैं। सौंधी से इसमें खुशबू आने लगे और मसाले हल्के सॉफ्ट हो जाए बस तब तक इसे पकाएंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे आलू का मिक्सचर जो हमने बनाकर रेडी किया हुआ है। उबले हुए आलू का मिक्सचर डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरह से आलू को तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे।
जैसे ही आलू सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए, हमें फ्लेम को एकदम लो कर लेना है और ढककर आलू को हमें मसालों के साथ पकने देना है करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और आलू के भरते को हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। इससे फ्लेवर तो आएगा और भरते में खूबसूरती भी आ जाएगी। आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते ऐड कर लेते हैं। फिर से इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद फ्लेम को बंद कर देना है और हैदराबादी स्टाइल आलू का भरता रेडी है सर्व करने के लिए। इसे देखते ही साथ मुंह में पानी आ जाए, ऐसी ये रेसिपी बनकर रेडी हुई है। आप चाहें तो इस चटपटे आलू के भरते को इसी तरह से खा लें या फिर आप इसे रोटी या पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखते ही दिल ललचा जाएगा आपका और इसे खाने से आप हाथ नहीं रोक पाएंगे। ऐसी है ये चटपटी मसालेदार अचारी आलू की रेसिपी। अचारी आलू को हम बनाएंगे आधा किलो आलू के साथ। छोटे छोटे आलू लिए हैं मैंने। इसमें नमक और पानी डालकर इसे प्रेशर कुक करेंगे। थोड़े से आलू सख्त रखेंगे, इसे बहुत सॉफ्ट नहीं करेंगे। 85% पकाएंगे, बाकी ये पकेगा मसालों के साथ। आलू पक जाए इसके बाद इसके छिलके निकालकर इसे रेडी रखते हैं। अब कुछ मसालों को पैन पर सेक लेते हैं। 1 चम्मच में ले रही हूँ धनिया, 1 चम्मच है जीरा, 1/2 चम्मच है सौंफ, 1/2 चम्मच है काली मिर्च, 1/4 चम्मच है मेथी के दाने, 1/4 चम्मच है अजवाइन, 1/2 चम्मच लेंगे सरसों के दाने और 4 से 5 है सूखी तीखी वाली लाल मिर्च। मसालों को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए सेक लेते हैं। मसाला ठंडा हो जाए इसके बाद इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। अब उबले हुए आलू को फ्राई करना है तो कढ़ाई में सरसों का तेल डालते हैं 3 बड़े चम्मच। सरसों के तेल में ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो सारे आलू डालकर इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। हल्का हल्का सुनहरा कलर आ जाए आलू पर, इसके बाद हम तेल ड्रेन करके सारे आलू निकाल लेते हैं। अब अचारी आलू के तड़के के लिए इसी तेल में डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच हींग भी डाल लेते हैं। जीरा कलौंजी अच्छी तरह से तेल में चटक जाए इसके बाद 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक चॉप करके डालेंगे। प्याज को तेल में फ्राई कर लेते हैं चलाते हुए हल्का गोल्डन कलर आने तक। अब आगे मसालों में डालेंगे 1/2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट या मिर्च को आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच डालना है हल्दी का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालते हैं 1/2 चम्मच। इससे बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा अचारी आलू पर। मसालों को मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर लेते हैं। ज्यादा इन्हें नहीं पकाएंगे, बस अब डाल देना है हमें फ्राई किए हुए हमारे आलू। आलू के साथ ही अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच है काला नमक, 1 चम्मच डाल लेते हैं अमचूर पाउडर, इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। सारा अचारी मसाला इसमें डाल देते हैं। मसालों को आलू के साथ चलाते हुए 1/2 से 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। इससे मसालों का सारा कच्चापन चला जाएगा। अब थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप। मिक्स करेंगे आलू को सारे मसालों के साथ। अब आलू को हम मसालों के साथ ढककर पक जाने देते हैं 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। आलू मसालों के साथ अच्छी तरह से पक जाए इसके बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। अभी भी अगर आपको लगे कि आलू में पानी है तो आप फ्लेम हाई करके मसालों को चलाते हुए सुखा लीजिए। मुट्ठी भरकर बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते अब डाल लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं आलू को सभी चीजों के साथ मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को बंद कर देंगे। चटपटा अचारी आलू बनकर रेडी हो गया है। सर्व कर लीजिए इसे आप बस इसी तरह से, या फिर आप इसे रोटी पराठा दाल चावल खिचड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। स्नैक की चटपटी मजेदार रेसिपी, और वो भी मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये है क्रिस्पी आलू चाट की रेसिपी। आलू चाट की चटपटी रेसिपी बनाने के लिए हमें आलू को पहले उबाल लेना है। तो 10 से 11 आलू है ये, करीब 1/2 किलो। इन्हें हम प्रेशर कुकर में डालेंगे, नमक और पानी डालकर इसे ढककर पका लेते हैं 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। आलू पककर सॉफ्ट हो जाए इसके बाद हमें इसे छील लेना है। आलू छीलने के बाद इसे हथेली पर इस तरह से दबा लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, हल्के हाथों से इसे दबाएंगे। सारे आलू को दबाकर इस तरह से रेडी कर लेते हैं। अब थोड़ी सी काली मिर्च और नमक एक तरफ छिड़क लेते हैं, दूसरी तरफ भी आलू पर काली मिर्च और नमक छिड़क लेते हैं।
अब कॉर्नफ्लावर डालेंगे आलू को क्रिस्पी करने के लिए, इसकी बाइंडिंग भी हो जाएगी ताकि फ्राई करने पर आलू बिखरे नहीं। तो एक तरफ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़कने के बाद दूसरी तरफ भी हम कॉर्नफ्लावर छिड़क लेते हैं। दोनों तरफ कॉर्नफ्लावर से आलू को कोट कर लेते हैं। अब आलू को पहले फ्राई करके रेडी करते हैं, तो पैन में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और उबले हुए आलू यहाँ पर रख देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम आलू को पका लेते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है आलू पर, अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद थोड़ा सा तेल और डाल देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से फ्राई होके क्रिस्पी हो जाए। दूसरी तरफ से भी आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब आलू को निकाल लेंगे प्लेट पर। अब एक खट्टी मीठी चटनी बनाना है, इसके लिए मुट्ठी भर ले लेंगे इमली। इसे मैंने भिगो लिया था एक घंटे के लिए। 4 से 5 खजूर है ये, इनके बीज निकाल कर डाल लेते हैं। 2 बड़े चम्मच गुड़ है, 3 से 4 है लहसुन की कलियां, सूखी लाल मिर्चें हैं 5 से 6, भुना हुआ जीरा है 2 चम्मच और नमक चटनी के हिसाब का डाल लेते हैं। ग्राइंड कर लेंगे इसे और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेते हैं। तो ये खट्टी मीठी चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। चटनी को हम डाल लेंगे क्रिस्पी फ्राई आलू के ऊपर। चटनी डालने के बाद 1 से 2 बड़े चम्मच फेटा हुआ दही भी डाल देते हैं। बारीक चॉप की हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। सेव डाल लेते हैं सारी जगह और थोड़ा सा अब लास्ट में काला नमक छिड़क लेंगे। इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। बस देखें, ये चटपटी क्रिस्पी आलू चाट की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है।